हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और आइए समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम नया क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है हेडिंग्स, ठीक है। तो इन हेडिंग्स को, ये जो हेडिंग्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, इन हेडिंग्स को एक पर्टिकुलर देख सकते हैं, ये बहुत ही डिस्टर्ब वे में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। कहीं कॉलम की विथ बड़ी है, कहीं छोटी है, ठीक है, कहीं रो की विथ बड़ी है, छोटी है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सही करना है। और इसको सही कैसे करना है, इसको हमें शॉर्टकट की मदद से सही करना है। तो कैसे ही होगा, आइए समझते हैं। सिलेक्शन में ले लीजिए पूरे डेटा को, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले प्रेस करना है Alt, फिर H, फिर O, फिर I। तो आप देख पाएंगे कि सब कुछ अरेंज वे में हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी चीज जो है छोटी बड़ी नहीं रह गई, अब एकदम अरेंज वे में ये सेट हो गया है। तो ये एक छोटी सी शॉर्टकट की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।